हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम लोग एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पढ़ रहे हैं, कला के तत्व पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत मैंने आपको कई एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाया है, जिसमें से कि हमारा कलर हो गया है, लाइन हो गया है, शेप हो गया है, टेक्सचर हो गया है। और आज हम किसका अध्ययन करेंगे? आज हम स्पेस का अध्ययन करेंगे, मतलब स्थान। ठीक है, स्पेस का अध्ययन करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसके ये साथ में एक छोटी सी सीरीज़ है, अगर आप इसको सारे को अटेंड कर लेंगे तो आपके जो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो सारी आपकी कवर अप हो जाएंगी। तो कला के तत्व के रूप में क्या चीज़ है? स्थान। स्थान की बात करें, स्पेस की बात करें तो क्या आता है कि इसमें ये है कि जैसे मतलब जब हम देखते हैं कमरे में तो हमें उसके कमरे के अगर छोटा रूम है तो उसमें क्या करना है, आकार में वृद्धि करना और कमरे को विश्राम एवं सुंदरता का अनुभव कराना, ये सारी चीज़ें क्या इसके अंतर्गत आती हैं? ये कला के तत्व जो स्थान है उसका विशेष महत्व होता है। और इसमें क्या है कि कमरों के बीच में अविभाजित खुली जगहों से आँखें दूरी तक जाने देती हैं। जैसे अगर रूम में आप बहुत ज़्यादा पार्टीशन नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब रूम को बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं करेंगे और उससे क्या होगा कि जो स्थान है वो ज़्यादा दिखाई देगा। तो कमरे में खुला स्थान होना ही चाहिए और विशेषकर जब तब समान पदार्थों के रंग का उपयोग पूरे स्थान में किया जाए, मतलब एक ही तरह के सामान जो भी हमने एक्सेसरीज यूज़ की हैं उसमें समानता होगी, एक ही रंग का प्रयोग होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारे कमरे का आकार है वो कैसा दिखाई देगा, वो बड़ा दिखाई देगा। अगर हम बीच में अगर चीज़ों में अगर लय नहीं होगी, अगर एक समानता नहीं होगी तो क्या होगा, वो अपना अलग अलग रूप प्रस्तुत करेंगे जिससे कि जो स्थान वाला भाव है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो स्थान हमें कम दिखाई देगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और साथ में जब हम स्थान की बात करें तो हमें रंग का भी विशेष ध्यान रखना है कि हम जो हमारा रूम है उसमें क्या हल्के वैल्यू वाले रंग कमरे में विशिष्ट क्या होते हैं, भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उससे क्या होता है, हमारा जो रूम है वो क्या होता है, बड़ा दिखाई देता है। तो कभी भी छोटे रूम में डार्क कलर से पेंटिंग नहीं करवानी चाहिए। अगर फर्श से छत तक का कांच का पर्दा अगर हम प्रयोग में लाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे भी कमरे में विशिष्टता की अनुभूति होती है और आकार बड़ा दिखाई देता है। जैसे इसी प्रकार के दृष्टिगत उपकरण का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे क्या है, शीशों का प्रयोग करने से भी आपने बहुत सारे शोरूम्स में देखा होगा कि क्या होता है, लास्ट में क्या करते हैं, शीशे का प्रयोग करते हैं, उससे क्या होता है, ऐसा लगता है उसका आकार कैसा दिखता है, बड़ा दिखाई देता है, जैसे बड़ा होने का आभास होता है। और ऐसी पेंटिंग्स का प्रयोग करना जिसमें क्या हो कि जिसमें गहरापन आए, और साथ में सीनरी वाले वॉल्स पेपर का प्रयोग किया जाता है, इससे भी क्या कमरे के स्वरूप को बड़ा दिखाया जा सकता है। ठीक, तो इस ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जैसे अगर हमने फर्श जो अगर सोफे के नीचे बहुत ही विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था ना की जाए, ऐसा नहीं कि जो सोफ़ा है उसके नीचे आप गलीचा है और उसमें बहुत सारी व्यवस्था आपने कर दी तो वो भी बहुत हौच पौच सा लगता है और कमरे में भीड़ जैसी लगने लगती है, तो वो भी क्या करता है, आपके स्थान को प्रभावित करता है। जैसे अगर हमें विशिष्ट वातावरण प्रस्तुत करना है तो वहाँ पर क्या हो कि जहाँ तक संभव हो सके कम से कम उसे विभाजित करना चाहिए। कमरे में पार्टीशन वाली व्यवस्था बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि जिससे कि कमरा विभाजित लगे, जिससे कि कमरे की का आकार क्या हो जाए, कम हो जाता है। और क्या होता है, और जिसमें छोटे माप वाले फर्नीचर न्यूनतम मात्रा में हो, वह बहुत बड़े उपसाधन ना हो। ठीक है, और पैर वाले फर्नीचर अधिक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अपेक्षाकृत ऐसे फर्नीचर के जिनके आधार फर्श पर फैले रहते हैं। अगर आधार उसका फर्श पर फैला रहेगा तब भी क्या होगा कि स्थान कम दिखाई देगा। और स्पष्ट प्लास्टिक के फर्नीचर जो आजकल मिलते हैं वो हवादार होने की अनुभूति प्रदान करते हैं। छोटे कमरे में अगर हम इस तरह के फर्नीचर्स का यूज़ करते हैं, जैसे चेयर्स आती है, स्टील की चेयर्स वगैरह का हम यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, हमें नीचे का स्थान दिखाई देता रहता है, उससे भी बड़ा होने का आभास होता है। कभी भी छोटे कमरे में बड़े सोफे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर छोटे कमरे में आप बड़े सोफे का प्रयोग कर देते हैं तो सिर्फ सोफा ही सोफा उस रूम में दिखाई देता है। तो कमरे के अनुपात में ही अपने फर्नीचर का भी प्रयोग करें जिससे कि स्थान आपका बना रहे। और कोशिश क्या करनी चाहिए
कि फ़र्श को जितना ज़्यादा आप खुला रखें रख सकें उतना ज़्यादा खुला रखें। अगर फ़र्श पर अगर आप कारपेट बिछाते हैं, कारपेट का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि सोफ़े के आधार तक ही उसको लाना चाहिए, जिससे कि कमरे का दृष्टिगत माप बड़ा दिखाई दे। ठीक। और कमरों के बीच में कम से कम पार्टीशन का उपयोग करने से कमरे में बड़े एवं खुले दिखाई देते हैं। मकान के मध्य खुला स्थान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? प्रवेश द्वार हमेशा कैसा होना चाहिए? बड़ा एवं खुला होना चाहिए। इस चीज़ प्रवेश द्वार पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो बड़ा एवं खुला होना चाहिए, जिससे कि आपका पूरा घर ही अंदर से भले ही छोटा हो, लेकिन अगर आपका जो बाहर का व्यू है अगर वो बड़ा है तो क्या होगा, आपका पूरा घर का दिमाग में क्या बनती है इमेज कि पूरा घर बड़ा है। आंतरिक एवं बाह्य भाग का अंतर संबंध इस प्रकार बनाना चाहिए ताकि वो एकाकार हो सके। तो अगर यहाँ पर अगर आपको समझ में आया हो कि कला के तत्व में स्थान का क्या महत्व है, तो स्थान का ये महत्व है कि बहुत कमरे की सजावट करते समय स्थान का विशेष रूप से ध्यान रखें। सजावट इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि बिल्कुल एकदम कमरा भरा भरा सा और छोटा लगे, जिसमें कि आपको बेचैनी उत्पन्न हो सकती है। ठीक, ओके। और इसी के साथ में हमारा ये जो स्पेस है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा स्पेस ख़त्म हुआ और अगला लेक्चर हमारा शेप पर होगा। पढ़ाया हुआ पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर।